भाई आपा तो भाई बहुत शुक्रिया। भाई आपा तो भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रम कुर्बानी का महीना है और इस महीने ऐसी कुर्बानियां दी गई है जो कयामत तक का कभी वापस नहीं दी जाएगी। मुहर्रम में बहुत सारे नबियों पे अल्लाह की बहुत मदद भी उतरी है और इसीलिए इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। तो मैं आपको कुछ इवेंट्स बताती हूँ जो मुहर्रम में हुए हैं। पहला, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई और अम्मा और अब्बा को फिर से मैदान अरफात में मिलाया गया। दूसरा, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूरी पहाड़ पर जाके टिकी। तीसरा, मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पार कर गए और फिरौन वहीं डूब गया। चौथा, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया और अल्लाह ने उनकी खूब हिफाजत की। पांचवा, हमारे सबसे अहम सहाबा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उनकी शहादत हुई। और आखिर, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी पूरी फैमिली की कुर्बानी दी गई। तो ये एक ऐसा, ये ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स और ऐसी सारी कुर्बानियां हैं जो हमें मरते दम तक का हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर सबसे अहम बात क्या थी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को ऑलरेडी इस दुनिया में बता दिया गया था कि वो जन्नती है, लेकिन तो भी करबला के मैदान पे जंग के वक्त, जानते हुए कि इतने सारे लोग हैं और जंग है, तो भी उन्होंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, क्योंकि वो उम्मत को यही पैगाम देना चाहते थे कि जो भी हो नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो ये सबसे 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 अहम बात है कि कुछ भी हो जाए, दीन और सच्चाई का रास्ता और जो नमाज है वो सबसे ऊपर है। एंड हमें इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हम अपनी नमाज ना छोड़ें, क्योंकि जब हम अपनी नमाज नहीं छोड़ेंगे तब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नवासे हैं और उनकी जो ख़ानदान की कुर्बानी है तब जाके सही मायने में पूरी होती है। तो आई होप कि हम सब इन कुर्बानियों को अपने जहन में रखें और साथ ही साथ जो इससे एक मैसेज दिया गया है वो कभी ना भूलें। शैतान कहता है, जो आखिरत में मान जाएंगे मैं उनका क्या करूंगा, वो मैं खल्फे हूँ, मैं उनके लिए दुनिया इतनी खूबसूरत बना दूंगा कि ना जन्नत के शौक रहेंगे ना आखिरत का खौफ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेल, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूँ। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद, मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के जरिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते हैं तो हमें लगता है कि हाँ वाकई, ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना, थोड़ी सी मज़े के लिए, जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है, मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले लें तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ,
गुनाह हमारे साथ रह गया, अब वो गुनाह क्या होगा? वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा, वो आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मजे के लिए गुनाह नहीं करना है, हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्कत के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्कत होती है ना उस वक्त वो भी निकल जाती है, जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं मुझे भी होती है, तो वो तकलीफ़ होती है, तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्यों? मुशक्कत की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ी सी मुशक्कत की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्कत का वक्त तो ख़त्म हो जाता है लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है, और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके, और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा, और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें और सोच के करें, जैसे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुँच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन क्या होता है, वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़्याती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई, और आप देख रहे हो आज जो मैं एक मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ, और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है, ये दो चीज़ इस पर हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ, ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें तो इससे अच्छा क्या ही बात है। करके इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी हमें ज़कात भेजने की भेजी है, और उनकी वजह से इतने लोगों की यहाँ पे मदद हो रही है, जैसे कि आप देखते हो कि मैं अपने इंस्टा स्टोरी पे डालते रहती हूँ, बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि अरे आप ये डाल रहे हो और इंस्टा स्टोरी पे डाल रहे हो, तो शायद कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये पैसे बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन सबको बताऊँ, क्योंकि मैं हर रोज़ उनको स्टोरीज तो नहीं भेज सकती, बट मैं उनको ये बता पाऊँ कि आपका पैसा इस तरीके से यूज़ हो रहा है। एंड फ़िलहाल कंसिडरिंग लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है और सिचुएशन यहाँ की बहुत ख़राब है, हर जगह की, पूरी दुनिया की मैं कहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम कुछ तो कर ही रहे बट डेफिनेटली जितने लोग हैं कम ही पड़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 500 लोगों की का खाना हमारे यहाँ से रोज़ बनता है, और सुबह में सहरी भी जाती है अलग से, जो मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्किट्स है, दूध है, या टैंग है, और जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ब्रेड्स है, ये हम सुबह में सहरी के लोगों को पहुँचाते हैं, स्पेशली जो रोज़दार है उनके लिए। और अभी जो मेरा लड़का है जो बाहर जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करता है, अब हम सात बंगले से वो आ रहा था और वहाँ पे एक कैंप बनाया गया है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट 350-400 लोग हैं, और उसमें से 150 रोज़दार है,
और बाकी के ऑफकोर्स नॉन मुस्लिम्स है, लेकिन you know, मुझे एक चीज़ आज मेरे लड़के ने बोला और मुझे बहुत बुरा लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बहुत ऐसा लगा कि ऐसे सिचुएशन में भी you know, बेचारे ऐसे सोचते हैं। आई रियली होप कि वो ऐसा कभी ना सोचे और ऐसा कोई ना सोचे। और जब वो खाना बांटने गया, क्योंकि वो टोपी पहना था, तो किसी ने उसे सवाल किया कि आप ये जो ला रहे हो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ला रहे हो या दूसरों को भी दोगे? और शाम को जब खाना बट रहा था, पैकेट्स बट रही थी, तो किसी ने बोला कि भाई कोई अलग लाइन है क्या हिंदू मुसलमानों की? और मेरे लड़के ने बोला, दूसरी बार ऐसी बात मत करना, बिल्कुल नहीं, सबके लिए एक ही बैग बना है। तो सच कहूँ तो सुन के मुझे बहुत बुरा भी लगा कि यू नो बेचारे मतलब कैसे सिचुएशन में है और कैसी दिमागी हालत हो गई है कुछ लोगों की, शायद चीज़ें सुन सुन के और देख देख के भी लोगों को शायद ऐसा लगता होगा। बट मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी, और हम तो यहाँ से कोशिश करेंगे कि हम जैसे जोगेश्वरी है, मिल्लत नगर है, यहाँ पे तो चीज़ें जाती ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारा कल से टारगेट है you know, सात बंगले का भी जो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ जो लास्ट स्टेशन है। तो मैं गुजारिश करूँगी, अगर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है और उसके आसपास रहता है, प्लीज़ 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 वहाँ पे चीज़ें भेजिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट 350-400 लोग हैं और गर्मी का टाइम है, और वो लोग के लिए वहाँ पे एक छत जैसा बनाया गया, वो प्लास्टिक का है, तो आप सोचिए कि उनकी पूरे दिन क्या हालत होती होगी। तो प्लीज़ जो आसपास के लोग हैं, अगर जो लोग नहीं जानते, आई एम श्योर जो जानते होंगे वो भेज रहे होंगे, क्योंकि ये लड़का तो गुजरते गुजरते वो देख लिया। बट आप लोग भी प्लीज़ वहाँ पे हो सके तो भेजिए। और अब हम कल सुबह से शुरू कर रहे हैं, हम सुबह में यहाँ से चाय और बिस्किट लेके जाएंगे सबके लिए, और इंशाल्लाह फिर पैकेट्स खाने की बनके उनको मिलेगी रोज़। तो बस ऐसे बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग हैं, एंड मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। और जो लोग अभी तक उनके पास अगर कोई लोग नहीं है ज़कात के लिए, या कुछ और ज़कात देना चाहते हैं, इसमें मदद करना चाहते हैं, स्पेशली इंटरनेशनली जो लोग हैं जिनको ज़कात के लिए कोई वहाँ मिल नहीं रहा और यहाँ पे ज़कात भेजते हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके भेजिए। मैं नंबर नीचे डालूँगी और आप वहाँ कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें जहाँ जहाँ जाते रहेगी मैं अपने स्टोरी पर डालते रहूँगी कि आपको पता हो कि आपका पैसा बहुत सही जगह पे जा रहा है। एंड आई होप सबका रमज़ान अच्छा जा रहा है, रमज़ान मुबारक सबको। एंड बस अब हम सब दुआ करते हैं कि सब ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और अपने मुल्क के लिए दुआ करें जितना हो सके।